नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। आज हम शुरुआत करेंगे दोपहर की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को कई बड़ी सौगात दे रहे हैं। वे 19-20 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान गुजरात को 15,670 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात मिल रही है। बता दें कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब गुजरात की तारीखों की घोषणा बाकी है। इससे पहले मोदी ने 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर थे। गुजरात के दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर में डेफ एक्सपो 22 का उद्घाटन से की। इसके बाद अडालाज से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। यहां पहुंचने पर मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। 20 अक्टूबर की सुबह प्रधानमंत्री केवड़िया में मिशन लाइव का शुभारंभ करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:45 वे ब्यारा में विभिन्न विकास पहलों पर शिलान्यास कार्यक्रम प्रधानमंत्री मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन भी भाग लेंगे, जिसका आयोजन अक्टूबर 2022 तक वीडियो में विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह सम्मेलन दुनिया भर से भारतीय मिशनों के 118 प्रमुखों को एक मंच पर लाएगा। 3 दिनों में होने वाले 23 सत्रों माध्यम से इस सम्मेलन में समकालीन भू राजनीतिक और भू आर्थिक वातावरण, कनेक्टिविटी, भारत की विदेश नीति प्राथमिकताओं आदि जैसे मुद्दों पर विस्तृत आंतरिक चर्चा करने का अवसर प्रदान मिलेगा। मिशनों के प्रमुख वर्तमान में उनसे संबोधित राज्यों को भारत के प्रमुख मिशन जैसे कि आकांक्षात्मक जिलों, एक जिला एक उत्पाद, अमृत सरोवर मिशन से संबोधित अन्य लोगों के साथ स्वयं का परिचय कराने के लिए इन राज्यों के दौरे पर है। दूसरी बड़ी खबर, बिहार के गोपालगंज और मोकामा विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनावी रंग की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मोकामा पर सबकी नजर है। यहां दो बाहुबलियों की पत्नी चुनावी मैदान में है। इस सीट पर बाहुबली और राजद के पूर्व विधायक अनंत सिंह का कब्जा माना जाता है। वे 2005 से जेल से बाहर और जेल में रहकर मोकामा से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में है, लेकिन पारस गुट में सूरज भान सिंह ने भी मोकामा की कैंप दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार छोटे सरकार के नाम से पुकारे जाने वाले अनंत सिंह अपना गढ़ बचा पाएंगे। मोकामा में दो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी चुनावी मैदान में हैं। दोनों तरफ से चुनाव के जीत का दावा किया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। अनंत सिंह जेल में है, लिहाजा उनके समर्थकों ने मोकामा में मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन एनडीए की उम्मीदवार सोनम देवी के पक्ष में सूरज भान सिंह ने मोकामा की कैंप कर दिया है। वो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि इस बार मोकामा की जनता कमल का साथ देगी। सूरज भान सिंह पहले भी अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को पटकनी दे चुके हैं। वर्ष 2000 से विधानसभा चुनाव के सूरज भान सिंह ने दिलीप सिंह को मात दी थी। सोनम देवी के पक्ष में प्रचार के दौरान वो बार बार में मोकामा में इस बात की जिक्र भी कर रहे हैं। सूरज भान सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद वीना देवी भी खुद को मोकामा की बहू बताकर बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी के लिए वोट मांग रही है। और भी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।